हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1988 में हुए चेस ओलंपियाड के फोर्थ राउंड के एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, और ये गेम खेली गई थी कास्टन हुई और बोरिस गुलकोव के बीच में। फ्रेंड्स, गेम वाकई में बहुत लाजवाब है, मैं तो नाम भी नहीं सोच पा रहा इस एक ब्रिलियंट गेम का। तो आप ही ज़रा जज करें कि क्या इस गेम का नाम होना चाहिए। यहाँ गेम की शुरुआत की कर्स्टन ने d4 के साथ, तो e6 यहाँ बोरिस ने किया, नाइट f3 तो c5, e3 देन नाइट f6 स्क्वायर पर बिशप d3 तो b6, और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया, बिशप गया b7 स्क्वायर पर, देन नाइट एट b goes to d2, c takes d4, e takes d4, देन बिशप e7 स्क्वायर पर तो रुक e1, और इसके बाद अब कहीं जाकर यहाँ ब्लैक ने कैसल किया c3 तो d6, कौन गई e2 स्क्वायर पर, देन रुक e8, नाइट f1, देन नाइट एट b goes to d7, नाइट g3, बिशप f8। और अभी तक की इस गेम में कुछ भी ऐसा खास किसी के लिए बेनिफिट नहीं है। बिशप g5 यहाँ पहले वाइट ने किया नाइट को पिन करने के लिए, तो h6 ब्लैक ने किया, उसी बिशप पर दोबारा अटैक बना, तो बिशप को हटना ही होगा या फिर एक्सचेंज करना होगा। यहाँ कर्स्टन ने किया बिशप d2, क्वीन c7 तो बिशप c2 स्क्वायर पर, देन बिशप d5 तो b3, क्वीन b7, और यहाँ एक काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बैटल जो तैयार हो चुकी है ब्लैक के नाइट और क्वीन की। तो नाइट h4 यहाँ पहले वाइट ने किया, इस g2 पॉन पर डिफेंस भी हुआ, तो b5, क्वीन d3, देन g5। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ आप देखें तो वाइट का एक छोटा सा बेनिफिट तो है, लेकिन ब्लैक ने फिलहाल इंतजाम किया हुआ है, नाइट f3 तो बिशप टेक्स f3, g takes f3। और फ्रेंड्स, वाइट का ये कैसल स्ट्रक्चर जो ब्रेकअप हुआ है, ये किसी प्लानिंग के तहत हुआ है या फिर ब्लैक की ब्रिलियंस है। बिशप g7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो h4, और फ्रेंड्स जिस बात को अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था वो ये इसीलिए कह रहा था, क्या जो वाइट ने अपना कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर तुड़वाया है वो इसी वजह से तुड़वाया था, क्योंकि g takes h4, अपना पॉन भी सेक्रीफाइस किया, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया e4 स्क्वायर पर, और अब आप देख सकते हैं कि जी फाइल पर कुछ ना कुछ थोड़ी देर में रुक ज़रूर आएंगे। क्वीन c6 तो किंग h1 स्क्वायर पर, नाइट h5, और फ्रेंड्स ये नाइट h5 माइट बी, लेकिन अभी बहुत समय है, रुक गया g1 स्क्वायर पर जो कि होना ही था। और फ्रेंड्स, जिस तरह की गेम आगे की है, चूँकि मैं इस गेम के पूरे एंड के रिजल्ट तक देख चुका हूँ, तो यहाँ ब्लैक को f5 ज़रूर कर लेना चाहिए था, क्योंकि वजह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो सबसे पहले तो वाइट को प्रॉब्लम होती अपने इस नाइट को बचाने में, ये नाइट कहाँ जा, किस स्क्वायर पर जाता, कोई भी स्क्वायर नहीं है इस नाइट के जाने के लिए। बिशप टेक्स h6 मान लो, अगर यहाँ वाइट करे भी तो f takes e4, queen takes e4, bishop takes e4, रुक पर अटैक होता तो रुक हट जाता सामने से, और मेरी नज़र में तो क्लियरली यहाँ ब्लैक बेटर होता। ब्लैक का अगला मूव माइट बी बिशप को g6 स्क्वायर पर लाकर रुक पर नाइट पर अटैक बनाने का होता, डिस्कवर्ड चेक, काफ़ी कुछ हो सकता था इस गेम में। लेकिन यहाँ पता नहीं किस कारण से बोरिस ने यहाँ अपने किंग को मूव किया, वो भी f8 स्क्वायर पर, और ठीक है यहाँ भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, पर कर्स्टन को यहाँ रुक टेक्स g7 करने की क्या सूझी, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। किंग को शायद किसी दूसरे कोने में जाने नहीं देना चाहते होंगे। अगर मान लो यहाँ ब्लैक इस रुक को अपने नाइट से ले, नाइट टेक्स g7 करे, तो बिशप टेक्स h6, नाइट पिन भी हो चुका होगा, देन f5, ठीक है वाइट के नाइट पर अटैक होगा, तो बिशप टेक्स g7 चेक, किंग टेक्स g7, रुक g1 चेक, किंग h8, ये ऑप्शन ठीक थी पहले, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था किंग टेक्स g7, अपने किंग से रुक को लिया, तो कर्स्टन का नेक्स्ट मूव था बिशप टेक्स h6 चेक, पहले ही एक्सचेंज डाउन हो चुका है वाइट, यहाँ अपने बिशप को सेक्रीफाइस क्यों किया पता नहीं। अब चूँकि ये सेक्रीफाइस जानबूझकर किया गया है, तो माइट भी चाहे मुझे एडवांटेज वाइट को क्या मिलने वाला है समझ में आए या ना आए, लेकिन ब्लैक की तरफ से अगर मैं होता तो ज़रूर इस मूव को ज़रा समझने की कोशिश करता। मान लो मैं यहाँ इस सेक्रीफाइस में ना फंसूँ और यहाँ कर दूँ किंग h8, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी,
वाइट यहाँ क्या करेगा, नाइट टेक्स डी सिक्स की ऑप्शन क्लियरली उसके यहाँ हाथ में होगी सी, क्योंकि यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट होगी, तो एफ फाइव ब्लैक को करना ही होगा, नाइट टेक्स ई एट, रुक टेक्स ई एट, और गेम ठीक ठाक ही रहती वाइट के फेवर में, हम कह सकते हैं कि शिफ्ट हो सकती थी, पर बोरिस ने यहाँ किया किंग टेक्स एच सिक्स, देन रुक जी वन स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अगर ये रुक जी वन स्क्वायर पर जाता है तो ठीक ही है, यहाँ ये पॉन एफ फाइव पॉन है तो सही, तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे, नाइट एफ फोर की ऑप्शन कैसी रहती, यहाँ क्वीन पर अटैक बनता, और यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट जी फाइव, ठीक है माइट बी, ये ऑप्शन बहुत गजब की थी क्योंकि यहाँ चेक देते, और ठीक है देखते हैं ज़रा, अगर मान लो यहाँ ब्लैक करे नाइट एक्स डी थ्री, तो उसके बाद नाइट एक्स एफ सेवन चेक, और अब ये किंग कहाँ जाए, अगर एच फाइव स्क्वायर पर जाए तो उसके बाद रुक जी फाइव चेक एंड मेट, और अगर ये किंग एच सेवन स्क्वायर पर गया तो उसके बाद बिशप टेक्स डी थ्री चेक, क्वीन बीच में लग गई तो बिशप टेक्स सी फोर चेक एंड मेट, तो क्वीन इतने आराम से नहीं ली जा सकती, यहाँ ब्लैक को पहले एफ फाइव करना ही हुआ, लेकिन ये वही देखते हैं जो यहाँ इस गेम में, यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने पहले ही अपने एफ पॉन को आगे पुश कर दिया, एफ फाइव स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बना, तो क्वीन ई थ्री चेक, और अब किंग कहाँ जाएगा, एच सेवन स्क्वायर पर, तो क्वीन जी फाइव हो जाएगा, और आप कह सकते हैं कि चेक मेट की थ्रेट होगी, और बहुत मुश्किल होगा नाइट जी थ्री चेक, यही एक तरीका होगा यहाँ ब्लैक के पास अपने चेक मेट बचाने का, एफ टेक जी थ्री होगा, और उसके बाद कुछ देर के लिए यहाँ ये गेम संभाली जा सकती थी, पर ब्लैक ने यहाँ किया एफ फोर, वापस क्वीन पर अटैक बना, तो नाइट टेक्स डी सिक्स, और फ्रेंड्स ये आखिर क्या कर दिया गया है, ये कौन सी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, सारा कमाल इस बिशप ने किया हुआ है, और साथ ही साथ इस जी फाइव पर बैठे हुए रुक ने, बस किसी भी तरह से यहाँ एक चेक जानी है, और बाकी का जो बचा हुआ काम है वो ब्लैक का खुद का नाइट कर रहा है, मान लो अगर ब्लैक यहाँ करे एफ टेक सी थ्री, तो उसके बाद नाइट एफ सेवन चेक एंड मेट, तो इसीलिए यहाँ ब्लैक के पास फोर्स्ड मूव है क्वीन टेक्स डी सिक्स करने का, इस नाइट को लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्वीन डी थ्री और फिर वही चेक मेट की थ्रेट है, तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे, नाइट जी थ्री चेक होगा, पर अब थोड़ा लेट हो चुका है, रुक टेक्स जी थ्री भी होगा, तो उसके बाद नाइट एफ एट, ठीक है यहाँ कुछ देर के लिए इस जी सिक्स और एच सेवन स्क्वायर का डिफेंस तो हो सकता है, पर यहाँ ब्लैक ने किया नाइट एफ एट, पहले ही नाइट एफ एट कर लिया, अगर ये जी फाइल बंद हो जाती तो बहुत अच्छा होता, और कुछ देर के लिए तो लगता है कि यहाँ चेकमेट का डिफेंस हो चुका है, लेकिन कर्टसन का गजब का मूव, उन्होंने यहाँ किया क्वीन एच सेवन चेक, और यहाँ इस मूव के बाद बोरिस गल्को ने रिज़ाइन कर दिया, रेजिग्नेशन की वजह मैं क्या बताऊँ, यहाँ ब्लैक को करना ही होगा नाइट टेक्स एच सेवन, लेकिन उसके बाद रुक जी सिक्स चेक और ये मेट, बिशप और रुक की चेक मेट इससे अच्छी आपको देखने को नहीं मिल सकती, ब्लैक का एक किंग अपने ही दोनों नाइट्स के बीच में जाकर चेक मेट होने ही वाला है, तो कोई वजह नहीं है यहाँ इस पॉइंट पर बोरिस गुल्को के पास कि वो यहाँ इस गेम को कंटिन्यू करें, फ्रेंड्स कमाल की गेम थी, मज़ा आ गया गेम को देखकर, जिस तरह से पीस यहाँ सेक्रीफाइस किए और कस्टन ने जिस तरह से प्लानिंग की वो लाजवाब थी, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।